आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आने वाले दो दिन अर्थात शुक्रवार 18 फरवरी और शनिवार 19 फरवरी को मौसम का मिजाज किस तरह का रह सकता है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी की रिपोर्ट, मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। हम आपको बता दें, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ अब लाइव चालू हो गई है। आप samacharagency.com पर जाकर, जैसे ही आप samacharagency.com खोलेंगे वैसे ही आपको लाइव स्ट्रीमिंग अर्थात लाइव टीवी वहां दिखना आरंभ हो जाएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में हमने जब से आपको मौसम का पूर्वानुमान बताना आरंभ किया है, मौसम का पूर्वानुमान 95 से 99% तक सही साबित होता आया है। अब हम आपको बताते हैं, शुक्रवार 18 फरवरी 2020 को 22 को किस तरह का मौसम का पूर्वानुमान रह सकता है, बृहस्पतिवार 17 फरवरी और शुक्रवार 18 फरवरी की दरमियानी रात 12 बजे का ये नज़ारा, और तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, अर्थात 17 से 19 डिग्री सेल्सियस अर्थात रात में 12 बजे बहुत ज़्यादा सर्दी की उम्मीद नहीं, और सुबह 5 बजे के लगभग 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान, अर्थात बहुत ज़्यादा आपको सर्दी रात में महसूस नहीं हो सकती हो पाएगी। सुबह 7 बजे भी लगभग यही तापमान कमोबेश, और 10 बजे के लगभग तापमान जिले भर में 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच। 3 बजे दिन में तापमान बढ़कर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है, और शाम 7 बजे के लगभग जिले भर में तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद, रात 10 बजे के लगभग 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद, और 12 बजे रात को अर्थात शुक्रवार 18 फरवरी और शनिवार 19 फरवरी की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच यहाँ बना रह सकता है। अब हम आपको सुबह 5 बजे का तापमान बताते हैं, शनिवार 19 फरवरी को सुबह 5 बजे के लगभग तापमान 16 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है, जो पूर्वानुमान बताया गया है मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को, और 10 बजे के लगभग तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद, 11 बजे के बाद गर्माहट बढ़ती हुई आपको महसूस होगी और गर्मी थोड़ी सी आपको महसूस हो सकती है, 1 बजे के लगभग तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की उम्मीद शाम को 5 बजे, ये हम शनिवार का आपको मौसम का पूर्वानुमान बता रहे हैं। 7 बजे के लगभग तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद, रात 9 बजे के लगभग तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद, और इसके बाद हम आपको बता रहे हैं रात 12 बजे अर्थात शनिवार 19 फरवरी और रविवार 20 फरवरी की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच जिले भर में रह सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी की रिपोर्ट, मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया है वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। अब हम आपको हवाओं की गति और दिशा के बारे में इसके बाद बता रहे हैं। हवाओं की दिशा और गति के बारे में बताने के पहले हम बता दें, मौसम विभाग के सूत्रों ने पूर्वानुमान जो हमको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को दिया है उस हिसाब से बादल लगभग 2-3 दिन बादल छाए रहने की उम्मीद है, और शनिवार को हल्की फुल्की बूंदाबांदी की उम्मीद भी मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा बताई गई है। रात 12 बजे का नज़ारा, बृहस्पतिवार 17 फरवरी और शुक्रवार 18 फरवरी की दरमियानी रात हवा लगभग रुकी हुई ही है, और पूर्वोत्तर से दक्षिण पश्चिम की ओर हवा चलती हुई प्रतीत हो रही, 2 बजे के लगभग हवा की दिशा तो वही पर गति हल्की सी बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। 4 बजे तक पत्ते आपको अगर रात में आप देखेंगे तो पत्ते आपको हिलते हुए देख सकते हैं। सुबह 7 बजे तक ये नज़ारा रह सकता है, और 10 बजे तक हवा थोड़ी सी हल्की फुल्की पत्ते हिलते हुए देख सकते हैं, और हवा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर बदलती हुई नज़र आ रही है। हवा दिन भर लगभग 2 बजे तक ऐसा आपको प्रतीत हो सकता है कि हवा चल रही है, और 2 बजे के बाद हवा थमी हुई यहाँ पर नज़र आ रही है, और हवा की दिशा बहुत ज़्यादा स्पष्ट तो नहीं पर बदलकर पश्चिम से पूर्व की ओर हवा बहती हुई नज़र आ रही है। शाम
7 बजे के लगभग दक्षिण से उत्तर की ओर हवा एक बार चलना आरंभ हुई और 10 बजे रात को हवा की गति फिर पूर्वोत्तर से दक्षिण पश्चिम की ओर। बहुत ज़्यादा तेज हवा यहाँ चलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, अर्थात पूर्वानुमान जो बताया गया है। और शुक्रवार 18 फरवरी और शनिवार 19 फरवरी की दरमियानी रात 12 बजे के नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्वोत्तर से दक्षिण पश्चिम हवा लगभग थमी हुई है और 2-3 बजे के बाद हवा की गति थोड़ी सी हल्की सी बढ़ सकती है। सुबह 6 बजे तक हल्की सी हवा अर्थात पत्ते हिलते आपको दिख सकते हैं। 7 बजे के बाद हवा की गति थोड़ी सी थमी हुई नज़र आती जा रही है और 11 बजे के लगभग हवा दक्षिण पश्चिम से पूर्वोत्तर की ओर उल्टा बहना आरंभ हुई। दक्षिण से गर्म हवाएं आना आरंभ हो सकती हैं और 1 बजे के बाद पश्चिम से पूर्व की ओर हवा थोड़ी सी तेज अर्थात 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। पत्ते तेज गति से, बहुत ज़्यादा तेज गति तो नहीं पर तेज गति से हिलते हुए आपको लग सकते हैं। शाम 4 बजे तक, 4 बजे के बाद हवाओं की गति थोड़ी सी थमी हुई नज़र आ रही है और 9 बजे रात को शनिवार की का पूर्वानुमान हम बता रहे हैं। 9 बजे रात को हवा लगभग थमी हुई नज़र आ रही है। 11 बजे भी हवा लगभग थमी हुई और 12 बजे रात को हल्की फुल्की हवा चलती हुई यहाँ प्रतीत हो रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। हम आपको बता दें, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ हो गई है, लाइव टीवी आरंभ हो गया है। समाचार एजेंसी SAMACHARAGENCY.COM, इस पर जाकर आप अपना ब्राउज़र खोलिए, वहाँ samacharagency.com जैसे ही आप डालेंगे वैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग वाला टीवी आपके सामने चालू हो जाएगा। उसे आप देख सकते हैं, 2400 घंटे आप इसे देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी की रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। फ़िलहाल आपसे इजाज़त लेना चाह रहे हैं, 2 दिन का मौसम का पूर्वानुमान लेकर हम एक बार फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त लेते हैं, जय हिंद।